हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ जुबैर फ्रॉम टिप्स एंड ट्रिक्स अड्डा। मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे आपकी कोई पेन ड्राइव है, आपने उसे कोई सिस्टम में लगाया है जिसमें वायरस है, तो उसमें शॉर्टकट्स बना देता है और जितनी भी फाइल्स होती हैं उन शॉर्टकट्स के अंदर चली जाती हैं, और कभी कभी तो शॉर्टकट्स भी नहीं दिखाता है। तो उन्हें उन पीडीएफ में जो डेटा पड़ा है उन्हें हम वापस कैसे गेन करेंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें भी ऐसे ही शॉर्टकट बना है, कुछ में शॉर्टकट बनता है तो कुछ के शॉर्टकट्स खुल जाते हैं, लेकिन ये मेरा जो है शॉर्टकट खुल नहीं रहा है और कुछ में शॉर्टकट ही नहीं बनाता है। अगर आपको जिनमें जैसे कोई फोल्डर पता हो जिसमें जो इसमें पड़ा था, तो आप इसमें साइड में सर्च करके निकाल देते हैं, ये कि मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स नाम का फोल्डर पड़ा था, ये आ गया। अब आप इसे खोलिए, जाएगा। इसके अलावा जैसे बहुत सारी फाइल्स पड़ी रहती हैं जिनका आपको नाम भी नहीं पता, तो उन्हें हम कैसे गेन करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको विंडार चाहिए होगा। अगर आप चाहते हैं कि विंडार कैसे फुल्ली क्रैक डाउनलोड और इंस्टॉल करें, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू अचीव कर देंगे, और हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। अब हम ओके कर देंगे, अभी स्टार्ट हो गया है। जितनी भी बड़ी आपकी आपका डेटा होगा, आपकी फाइल्स होंगी, उतना ही टाइम लेगा, तो इसे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जिसमें अचीव बना लें। और अब ये कंप्लीट होने वाला है, और अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इस जो अचीव हमने बनाई थी, अब उसे आके हम खोलते हैं। ये अचीव है, उसे खोल के देखते हैं। ये देखिए शॉर्टकट जो उसमें बना था, और ये हिडन फोल्डर है बिना नेम का जिसके अंदर आपकी सारी डेटा फाइल पड़ी होंगी। ये देखिए आप जितनी भी पेन ड्राइव में फाइल थी ये सब आ गई। अब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लें। आप इसे यहाँ से डायरेक्ट मत एक्सट्रैक्ट कीजिए, आप इसे ऐसे खोलिए, खोलने के बाद इस पर सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट टू कर दीजिए। अब हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करके यहाँ नीचे मैंने एक अचीव नाम का फोल्डर बनाया है, इस पर हम क्लिक करके ओके कर देते हैं, और अभी एक्सट्रैक्ट होने लगा है। अब ये कंप्लीट हो गया है, अब हम इसे बंद कर लेते हैं। हमने अचीव नाम के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट किया था सब कुछ, अब ये देखिए ये आ गया है। ये आप एक बार चेक कर लें कि आपकी सारी फाइल्स आई हैं कि नहीं। चेक करने के लिए हम इसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे। ये 1.25 GB है, और यहाँ कंप्यूटर में आके आप देख लें ये 14.5 GB टोटल है, और इसमें 13.2 GB फ्री है, तो इसमें एक अप्रॉक्सीमेट 1.3 GB भरा होगा। और आपने देख ही लिया कि 1.25 GB भरा है, मतलब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.3 GB आ जाएगा। इसका मतलब सारी डेटा फाइल्स आपकी इस फोल्डर आपने एक्सट्रैक्ट कर ली है, हमने अब गेन कर ली है।
आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमें कमेंट करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।